हाय एवरीवन, माय नेम इज शैली वर्मा और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि बीएफएम जैसे कोर्स में एडमिशन लेना है आपको, तो उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी होती है और कैसे कैसे आपका एग्ज़ाम होगा एंट्रेंस, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए स्टार्ट करी है। तो गाइस, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं कि हमें भी एक आर्टिस्ट बनना है, ठीक है, और आगे अपना करियर आर्ट में ही हमें सेट करना है, तो उसके लिए आपको कॉलेज जैसे किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में जाना होगा, राइट। उसमें एक कोर्स होता है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, ठीक है। इस तरह के कोर्स करके ही आप एक अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये कोर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है करना, बट येस, अगर आपको बैचलर डिग्री एक फाइन आर्ट के कोर्स में करनी है तो उसके लिए आपको कॉलेज जाना ही होगा, ठीक है। उसके लिए क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना है और कैसे कैसे आपका एग्ज़ाम होगा, तो मैं ये बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको प्रिपरेशन करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत होती है, जिसकी आपको प्रिपरेशन पहले से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 12th क्लास एंड कर लिया है और उसके बाद रिजल्ट आने के बाद आप सोच रहे हो कि आपको क्या कोर्स करना है, तो फिर आप बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के लिए आप जा रहे हैं। तो डियर ऑल, ऐसा नहीं होता है। आपको पहले से ही सोच करके रखना होगा, आफ्टर 10th या फिर 9th में ही आपको सोच लेना है कि आपको क्या कोर्स करना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको एडमिशन मिला है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी एक स्टूडेंट का एडमिशन की बात मैं कर रही हूँ कि किसी भी बच्चे ने तब ज्वाइन करना है कोई कोर्स जब उसका इंटरेस्ट है, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है आर्ट में तो आप इस कोर्स को ज्वाइन बिल्कुल भी नहीं करेगा, राइट। और ये कोर्स जो होता है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के लिए होता है, स्पेशली इसके लिए अलग से आर्टिस्ट होते हैं जो कि प्रिपरेशन कराते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जा कर के आप ये नहीं कहेंगे कि हमें तो नॉर्मल क्लास करनी है, नो, आप ये कहोगे कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए मुझे ये कोर्स करना है, तो आप मुझे क्या कराएंगे ये कोर्स। अगर वो आर्टिस्ट सक्षम है और अगर आप उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो ही आप वहाँ पर एडमिशन लें बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे होता है और क्या क्या उसके अंदर होती हैं चीज़ें, तो अब मैं वो बताने वाली हूँ। देखिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स में ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स पेंटिंग में ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर आपका कोर्स होगा जैसे कि आपको सामने स्टिल लाइफ दे दिया जाएगा या फिर किसी ह्यूमन फिगर को बैठा दिया जाएगा और उसको आपको ड्रॉ करना होगा, पेंट करना होगा, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है आपको एक सीन दे दिया जाए कि आपको इमेजिनेटिव कोई भी सीन बनाना है और वो टॉपिक वहीं पर ऑन द स्पॉट आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स पेंटिंग में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या फिर अप्लाइड आर्ट में अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको इस तरह के एंट्रेंस एग्जाम देखने को मिलेंगे। तो दिल्ली में जो कॉलेज है उसकी मैं बात कर लेती हूँ। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट है जो कि मंडी हाउस पर है, वहाँ पर आप जाकर के पूरा एग्ज़ाम का जो भी प्रिपरेशन करना है आपको, वो भी आप पूछ सकते हो, या फिर किस तरीके से एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो सब भी आप पूछ सकते हो, या फिर उनकी वेबसाइट पर भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, राइट। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है ना, वो बहुत ही इजी नहीं होता है, बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ पे। आपका प्रिपरेशन तो आपको बहुत अच्छे से कर लेनी है क्योंकि लाखों की तादाद में एडमिशन लेने के लिए वहाँ पे लोग आते हैं, बट जो सीट्स होती हैं वो सिर्फ 80 होती हैं एक कोर्स के लिए, ठीक है। तो 80 सीट्स, ये मैं दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट का बता रही हूँ कि वहाँ पे सिर्फ 80 सीट्स आपको अवेलेबल होंगी। तो आपको सोच करके चलना है कि आपका लेवल कितना हाई होना चाहिए एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। और अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ तो वहाँ पे अलग होता है। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट एक गवर्नमेंट कॉलेज है और वहाँ पे ऑब्वियसली बहुत अच्छा सिखाया जाता है, तो बेटर है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ ज़्यादा पहले ट्राई करें बजाय कि प्राइवेट कॉलेज में जाने के। प्राइवेट कॉलेज में होता होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम भी एंड वहाँ पर भी आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, लेकिन वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। इट्स बेटर कि आप गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ ही जाएँ और वहाँ के कॉलेज के कोर्स में आप एडमिशन लें। तो चलिए अब बात करते हैं कि बीएफए का कोर्स होता है कितने साल का होता है। अब मैं ये वीडियो बनाई 2023 में,
देना पड़ता है और उसकी पहले से ही प्रिपरेशन करनी पड़ती है। इसके अलावा आप जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज में भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा एक मुंबई में कॉलेज है जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स, वहाँ पर भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको और भी कॉलेज के नेम्स जाने तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके आप ज़रूर बताइएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी दोबारा से एक और वीडियो बनाने की जिसमें मैं सारे कॉलेजेस के नेम्स आपको मेंशन कर दूँगी और आप कहाँ से कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं वो भी मैं मेंशन कर दूँगी। और यार अगर आपको भी ट्राई करना है, एडमिशन लेना है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने की, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर दे सकते हैं, मैं हो सकता है आपकी मदद कर पाऊँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा बिकॉज मैं बहुत सारी वीडियो ऐसी लाती हूँ जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल है। सो या गाइस थैंक यू सो मच एंड लाइक दिस वीडियो इफ़ यू रियली लाइक इट। थैंक यू।